टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू लेसन द मैजिक पॉरेज पॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेट 12/1/2021 एंड दिस इज यूनिट 9 पार्ट 2. मैजिक पॉरेज पॉट यानी जादुई पॉट है जिसमें पॉरेज, पॉरेज एक ऐसा डिश है, ऐसी डिश है जो ओट्स या कोई और ग्रेन्स को पीस के फिर उसको या तो मिल्क में या तो हॉट वाटर में बनाया जाता है. सो वी विल स्टार्ट द लेसन द मैजिक पॉरेज पॉट. हियर यू कैन सी वन ओल्ड लेडी इज स्टैंडिंग एंड वन गर्ल इज देयर एंड शी हैज अ पॉट इन हर हैंड. उसके हाथ में एक पॉट है. अब ये स्टोरी में क्या है दैट वी विल सी. वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा. शी लिव्ड विथ हर मदर. दे वर वेरी पुअर. वन डे She went to a forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you. When you say, 'Cook pot, cook,' it will stop making porridge. When you say, 'Stop pot, stop,'" Yani, एक लड़की होती है जिसका नाम, छोटी सी लड़की का नाम तारा होता है और वो अपनी मम्मी के साथ रहती है. वो लोग बहुत गरीब है, गरीब है यानी उनके पास प्रॉपर खाना भी नहीं होगा. तो एक दिन जब वो लड़की तारा फॉरेस्ट में जाती है तो वहाँ एक ओल्ड वुमन को मिलती है. तो उसने उसको एक पॉट दिया और पॉट उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए रोज़ पॉरेज बनाएगा. आपको ये बोलना है कुक पॉट कुक यानी पॉट खाना बना, पॉट खाना बना यानी कुक पॉट को खाना बना. तो और जब बनाना बंद करना है तो बोलना पड़ेगा स्टॉप पॉट स्टॉप. तो वो खाना बनाना, पॉरेज बनाना बंद कर देगा. तारा वॉज वेरी हैप्पी. शी रैन टू हर मदर एंड सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट. फिर उसने बोला तारा ने कि वो तो बहुत खुश हो गई, दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई और बोला मम्मी अब से हमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मेरे पास एक जादुई पॉट है. तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरेज. तारा ने बोला कि चल कुक पॉट कुक यानी खाना बना पॉट. तो पॉट पॉरेज बनाने लगा तो दोनों ने, दोनों खुश हो गए और उन्होंने खाया. वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री. शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज. एक दिन तारा बाहर गई थी तो उसकी मम्मी को भूख लगी तो उन्होंने बोला कुक पॉट कुक. तो पॉट ने पॉरेज बनाना शुरू कर दिया. आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. उसने खा लिया उसकी मम्मी ने तो फिर उसने बोला अब मत बना पॉट. लेकिन पॉट ने फिर भी बनाता ही गया. सून द पॉरेज स्टार्ट स्पिलिंग ऑन द फ्लोर. मदर कॉल्ड आउट अगेन वेट डू नॉट कुक एनी मोर बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. तो उसने खा लिया और पॉट में से सब बाहर गिरने लगा और ज़मीन पे गिरने लगा. उसकी मम्मी फिर से बोलने लगी वेट डू नॉट कुक एनी मोर अब फिर से मत पकाना. तो भी पॉट स्टॉप नहीं हुआ, उस वो तो बनाता ही रहा. मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर. सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर. द होल विलेज सॉ इट. दे रैन टू ईट द पॉरेज. अब क्या हुआ कि फिर तो पॉरेज पॉट में से निकल निकल के गिरने लगा तो उसकी मम्मी दौड़ के बाहर गई तो उसके पीछे पीछे पॉरेज भी पूरा बाहर की तरफ फैलने लगा. तो हर जगह पॉरेज पॉरेज ही हो गया. पूरा विलेज देख रहा था, गांव वाले देख रहे थे. वो लोग सब दौड़ के आए और सब लोग खाने लगे. व्हेन तारा केम बैक शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज. शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड. शी हर्ड हर मदर शाउट तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. जब तारा ने देखा तो दौड़ के घर गई और उसने घर जाने के बाद तो उसकी मम्मी ने बोला तारा देख पॉट तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, बनाता ही जा रहा है. तारा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज. और जब तारा ने जाके घर पे बोला स्टॉप पॉट स्टॉप तो तुरंत उसमें से बनने का बंद हो गया. तो
जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए था, कुछ और बोले, इसलिए वो पॉट ने अपना काम करता रहा और बनाता रहा. सो दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड दिस इज़ अ फोक टेल. फोक टेल यानी कोई कहीं के पहले से बच्चों को वगैरह को, ये बच्चों को सुनाई जाती है ये स्टोरी किसी एरिया का प्रॉपर, तो दैट इज़ अ फोक टेल. ओके, नाउ न्यू वर्ड्स. MAGIC मैजिक यानी जादू, COOK के कुक यानी बनाना, POURIG पॉरिज यानी एक डिश है, SPILLING स्पेलिंग यानी गिरना, WHOLE होल यानी पूरा, VILLAGE विलेज यानी गाँव. सो यर यू कैन सी दिस पॉरिज इज कमिंग डाउन आउट ऑफ द पॉट. ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर.